नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सबलिमिनल्स कैसे काम करते हैं? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आई हूं। और ये कैसे काम करते हैं, सबलिमिनल्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं और कैसे इनको इनके काम पर लगाया जाए? तो जी हाँ, ये तो काम तो करते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो काम नहीं करती। सब कुछ काम करता है, चाहे आपके नेगेटिव थॉट्स हों, चाहे पॉजिटिव थॉट्स हों, चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे बुरी चीज़ें हों। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव तरीके से काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव तरीके से वो एक्टिवेट कर देते हैं। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं, बुरी चीज़ें बुरे तरीके से, अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से। सबलिमिनल्स कैसे काम करते हैं, मैं इसे ये कहूँगी कि अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, मज़ा ही आ जाएगा। सबलिमिनल्स क्या है? एक सॉफ्ट म्यूज़िक होता है, सूदिंग होता है, आपके जो थॉट्स का फ्लो होता है उसको कम करने के लिए। उसका जो फ्लो है, तेजी से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ थॉट्स भाग रहे हैं और आपने जस्ट हेडफोन लगाया और आपने ये सोचा कि मुझे सबलिमिनल सुनना है, तो जो उसमें लिखा हुआ है कि इससे ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो इच्छा पूरी करने के लिए मुझे सुनना है, तो इसलिए आपके लिए वो काम नहीं करता है। आपको करना क्या होता है, जब भी आप लगाएं कि हाँ चलो मुझे ये वाला म्यूजिक सुनना है, मुझे ये वाला सबलिमिनल सुनना है, तो उस टाइम पर आप क्या करें, उसके पहले आप है ना ये सोचें कि मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए। ठीक है, आपने वो दिमाग के अंदर रखा, अब ना उसकी छोटी सी ना क्लिप बनाएं। जैसे कि आपने 10 मिनट का कोई सबलिमिनल लगाया है और आप 10 मिनट तक आप उसको सुनने वाले हैं, तो 10 मिनट तक आप करेंगे क्या, क्योंकि थॉट्स का फ्लो कम है, थॉट्स का फ्लो कम है, तो क्यों ना इसी बीच में अपनी कोई एक मूवी डाल दी जाए और उस मूवी के साथ में उसको सुना जाए, कैसा होगा? ये दो तरीके से काम करेगा। एक तरीका तो ये कि थॉट्स का फ्लो कम हो गया है और उसके अंदर आप अपनी प्यार से एक मूवी को चला रहे हैं। दूसरा तरीका ये, उसके साथ में ना आप वाइब्रेट करना शुरू करेंगे खुशी वाला। तो ये दो तरीके से काम जब करेगा तो ये सिग्नल क्या कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हैं। इस बीच में जब आप पिक्चर बनाएं, कोई भी सीन बना रहे हैं आप, 10 मिनट का आपने कोई सीन बनाया, इसके बीच में कोई भी रोने धोने वाला, कोई भी ऐसा सीन बिल्कुल ना डालें जो कि आपके वाइब्रेशंस को ख़राब करे, क्योंकि आप सॉफ्ट सा म्यूज़िक सुन रहे हैं, थॉट्स का फ्लो कम है। इस बीच आप जो पिक्चर जो सीन डालेंगे उसे बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देंगे, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे लिए ये काम नहीं करता, और आपके लिए इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आपने उसके पहले कोई सीन ही नहीं बनाया हुआ। पहले सीन बनाइए ना, पहले एक प्रॉपर सीन बनाइए, अपने दिमाग के अंदर एक सीन को बनाइए। नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो विजुअलाइज करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, लिखिए, लिख करके उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद हम कभी कभार कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसको पूरा विजुअलाइज करने लग जाते हैं ना, अच्छा ये बच्चा वहाँ पार्क में खेल रहा है, अच्छा उसने वैसे फुटबॉल मारी, सुनते भी हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो आप अपनी कहानी को सुनिए, खुद बोलिए और सुनिए, जब आपको लगे कि हाँ यही सीन चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे, उसके बाद में आप सबलिमिनल को लगाइए, 10 मिनट तक मस्त उसको सुनिए और वो वाले सीन को उसके अंदर ऐड कर दीजिए। दोनों तरीके से काम करेगा और यूनिवर्स के अंदर आप एक सिग्नल जो है ना, जो हम चाह रहे हैं कि हमें वहाँ पर सेटिंग करनी है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, लगाते कहीं है, लग कहीं और जाता, तो इस तरीके से लगाइए। इस तरीके से आप सक्सेसफुली उसको यूज़ कर पाएंगे और आप जो चाह रहे हैं वो बल्कि जल्दी, नॉर्मल तरीकों से ज़्यादा जल्दी, क्योंकि ये एक इंस्टेंट तरीका होता है। आपका जो फ्लो है उसको कम करने का, काम डाउन करने का एक इंस्टेंट तरीका मैं मानती हूँ। सबलिमिनल जो है वो एक इंस्टेंट तरीका है, तो बढ़िया है। और क्या चाहते हो, लगाओ अपने पिक्चर को। मैं मुझे तो वाह बड़ा मजा आता है कि अपने पिक्चर को खुद ही देखो, पीछे से एक म्यूजिक भी चल रहा है, वाह करके देखो, आज ही करना, मजा ही आ जाएगा। और आप बोलोगे कि वाह ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, थोड़ा सा फिल्मी तरीका है, क्यों नहीं डाल सकते, कुछ भी करो ना, आपकी ज़िंदगी है, आपकी सोच है, आपका दिमाग है, अब तक खिचड़ी पकाते रहे हो ना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, डरते रहे हो ना, परेशान होते रहे हो ना, छोड़ो उसको, ये पकड़ो अपनी पिक्चर खुद बनाओ और देखो उसको, ऑडियंस भी खुद ही बन जाओ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सब खुद हो, म्यूजिक पीछे से चल रहा है, वाओ करके देखो और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है ये करके। ठीक है, आई लव यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मज़े करिए, बाय।